नमस्कार। सुखासन में पद्मासन में सब बैठना चाहते हैं, इस प्रकार हाथ पैर जो है मोड़कर या फिर अर्ध पद्मासन या फिर पद्मासन, इन आसनों में आप लोग बैठना चाहते हैं, लेकिन बैठने के लिए हमारी यहाँ की नसें बड़ी कमजोर होती हैं या स्टिफ हो जाती हैं। इसकी वजह से हम एक दूसरे के ऊपर पैर नहीं रख पाते और सीधा जो है बैठ नहीं पाते। ज्यादातर मामलों में मैंने देखा है कि ऐसे भी दंडासन में भी बैठना आजकल के बच्चों के लिए और युवाओं के लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और जो देखिए, जितनी सुविधाओं में जाएंगे उतनी वो लोग जो है इन सुविधाओं से दूर हो जाएंगे। तो ये सुविधाएं, ये बैठना, ये सुविधा है, इस सुविधा को अगर आपको प्राप्त करना है तो एक क्रिया मैं आपको बताता हूँ, ये नियमित रूप से करिएगा। इस प्रकार आप बैठकर पैर को जो है ऐसे, जैसे बाएं पैर के ऊपर जंघा के ऊपर दाएं पैर की एड़ी रख लीजिए और ये घुटना जो है इसको पकड़िए, नाक लगाने का अभ्यास कीजिए और श्वास भरते हुए डाउन, श्वास छोड़ते हुए अप, भरते हुए डाउन। ये अप एंड डाउन जब आप करेंगे तो यहाँ की ये नसें पूरी खुलेंगी और आपका जो पद्मासन और सुखासन वो लग जाएगा। कई लोग कहते हैं कि हमसे पद्मासन, पद्मासन ही छोड़िए, आलती पालती लगाकर भी नहीं बैठा जाता। तो ये अभ्यास जो है ये इसमें आपको सहायता करेगा। पहले दिन आपका ये पांव यहाँ भी रखना हो तो बहुत मुश्किल से रखा जाएगा, बहुत कोशिश होगी कि यहाँ रखा जाए, इससे आपकी ये नसें खुलेंगी। तो आप एक बार ऐसे रखकर बैठ जाइए, बस आप आधा मिनट ही ऐसा बैठिए, धीरे धीरे आपकी ये नसें, पहले दिन आपको हार्ड लगेगा, दूसरे दिन फिर उसके बाद में पैर को यहाँ रखवाइए और ऐसे रखकर ऐसे लगभग आप आधा मिनट एक मिनट बैठिए, इससे आपको ये नसें खुलेंगी। ऐसे ही इस पैर को ऐसा कर लीजिए और बाएं पैर को जो है उठाकर दाहिने पैर के जंघा पे रखिए, एड़ी को रखिए और ऐसे पहले दिन ऐसा रखिए। अगर आपको यहाँ नहीं रखा जाता, यहाँ रखा जाता तो यहाँ रख लीजिए, ऐसे एक बार ऐसे सामान्य पैरों को हिलाइए। ये धीरे धीरे हिलाएंगे तो जोड़ों के अंदर ब्लड सर्कुलेशन चलेगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आलती पालती लगाकर बैठ ही नहीं सकते, उनके लिए है। हाँ, जिनको कोई हड्डी से संबंधित समस्या है, चाहे घुटने की हो चाहे कुल्हे की हो, उनके लिए तो मना ही है, लेकिन जो स्वस्थ हैं और मोटे हो रहे हैं उनके लिए ये बहुत अच्छी क्रिया है। इसको पैर को एकदम नजदीक ले आइए, फिर उसके बाद में 5-7 दिन बाद में आपका इतना अभ्यास हो जाएगा कि आपका नाक जो है वो घुटने पर लगना शुरू हो जाएगा और घुटना जो है वो नीचे लगना शुरू हो जाएगा। श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए, श्वासों के साथ करेंगे किसी भी क्रिया को तो हमें उसके जोरदार डबल लाभ मिलेंगे और इससे हमारा जो है ये पैर का हिस्सा पूरा खुल जाएगा, ब्लड का सर्कुलेशन चलना शुरू हो जाएगा। मेरे हिसाब से अगर नियमित रूप से आप इस क्रिया को करते हैं तो ये लगभग आपको 15 दिन में इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। 15 दिन में आप इस प्रकार आलती पालती मारकर बैठ सकते हैं और सामान्य स्थितियों में आप घर पे भी जब भी बैठें आलती पालती लगाकर बैठने का अभ्यास करें और जो दीवार है उसका एक बार सहारा ले लीजिए, फिर धीरे धीरे सहारे को छोड़ना शुरू कर दीजिए और आप आराम से इस आसन में बैठ जाएंगे। इस आसन में बैठने का सुकून ही अलग है, क्योंकि इसमें जब हम बैठते हैं तो आप देखिए हमारा जो आकार है वो कैसा बनता है, पिरामिड का आकार बनता है। ये पिरामिड का आकार जो है ये मानसिक शांति देने वाला आकार है। तो जब आप इस आसन में ऐसे सीधे बैठते हैं तो आपको एक आकार मिलता है जो गुंबद के आकार का है, पिरामिड के आकार का है, जो आपके दिमाग की नसों को बहुत अच्छा शांत करता है और एक अच्छे हार्मोन्स जो है वो सिक्रेशन होते हैं और उससे हमें एक अच्छा फील होता है, हमारे मन जो है वो शांत होता है। तो ये आसन बहुत ज़रूरी है, इनमें बैठना चाहिए। सारे दिन कुर्सियों पे बैठना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। तो अगर हम इस तरीके के अभ्यास नियमित रूप से करें तो हमारी ये पाँव की यहाँ की नसें खुल जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन पहुँचेगा, मसल्स की स्टिफनेस कम होगी और हमारे कूल्हे जो हैं वो एकदम से लुब्रिकेंट हो जाएंगे और हमें मूवमेंट जो है वो मिलेगा। तो ये छोटी सी बात है लेकिन बहुत ज़रूरी बात है। आप अपने घर में देखिएगा कितने बच्चे इस आसन में बैठना बंद हो चुके हैं। प्रयास कीजिएगा, अभ्यास करवाइएगा और बच्चों को स्वस्थ बनाइएगा। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योगधाम से। नमस्कार।